फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 1, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। आई होप मेरे हैंडराइटिंग आपको दिख रहे होंगे। कई सारे स्टूडेंट मुझे कंप्लेन करते हैं, सर आपके हैंडराइटिंग, जब मैं बोलता हूँ बेटा आपको अपनी आपकी बुक में कॉपी में कॉपी करना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर बोर्ड पे क्या लिखा दिख नहीं रहा, आपके हैंडराइटिंग अच्छे नहीं। तो मैं उस बच्चों को बोलता हूँ बेटा देखो, बचपन पूरा बचपन हैंडराइटिंग में हैंडराइटिंग सुधारने में निकल गया, पूरा बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में निकल गया, जिंदगी तो कीबोर्ड पर बीत रही। सो मैं हैंडराइटिंग सुधारने की ट्राई नहीं कर रहा हूं, ऐसे है मैं राइट। बट हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन, व्हाट इज इंपोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें से एक टॉपिक है एक्सप्लेन इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का महत्व राइट। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मतलब आपको पता ही है, आंकड़ा शास्त्र आपका सब्जेक्ट भी है स्टैटिस्टिक कॉमर्स में राइट। तो बहुत सारी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होती है, उससे प्रूव क्या होता है, उसका इंपोर्टेंस क्या है। इंपोर्टेंस नंबर 1, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सपोर्ट्स और कंफर्म प्रिंसिपल राइट। मैंने आपको बोल दिया कि बेटा तू है ना रिलायंस का शेयर परचेस कर ले, अभी 100 रुपए का शेयर है, कल उसके 200 हो जाएगा, बेच देना माला माल हो जाएगा। आप मेरे पे बिलीव करोगे? नहीं बिलीव करोगे, आपको नहीं होते बताने वाले राइट। बट जो भी लोग शेयर बाजार में शेयर परचेस करते हैं और बेचते हैं, मैं देशी बोल दो सट्टा खेलते राइट, तो वो लोग टिप लेते हैं, टिप एजेंट होते हैं ना, और टिप देते। लेकिन एजेंट या फिर एडवाइजरी लोग है वो ऐसी टिप क्यों देते राइट। जैसे शेयर खान है, आपको पता ही होगा शेयर खान है ना, वो पूरा मतलब ट्रेडिंग बिजनेस चलाता है, कंपनी का नाम sharekhan.com। तो वो शेयर खान है ना, वो उसके क्लाइंट को टिप देता है, ये शेयर परचेस कर लो आप, इसके रेट बढ़ने वाले। तो ये क्या होता है, ये होता है स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन का डीप एनालिसिस, समझे आप। से फॉर एग्जाम्पल लो, मैं एकदम ऊपर से लाइट एग्जाम्पल ले रहा हूं ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल 2016 में राइट, रिलायंस कंपनी में और नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा ऐसा डिसीजन लिया था, तो रिलायंस के शेयर के प्राइस बढ़े थे, डीमोनेटाइजेशन हुआ, सारी कंपनियों के शेयर के प्राइस गिरे थे, लेकिन रिलायंस के अप गए। ये क्या है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन समझे। ये स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर से ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा कुछ होगा तो आप प्राइस बढ़ेगी समझे राइट। और एक एग्जाम्पल देता हूं, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल को सपोर्ट कैसे करता है समझे। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत राइट। सिद्धांत क्या है कि बारिश, फॉर एग्जाम्पल बारिश कम होगी तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कम होगा। आप मान लो सर ऐसा थोड़ी होता है समझे, पानी तो कहीं से भी आ जाएगा, नहीं आपको मानना पड़ेगा राइट। 2001 से लेकर 2020 तक का डेटा होगा, तो 2001 में बारिश हुई थी तो प्रोडक्शन अप गया, 2002 में बारिश हुई थी तो प्रोडक्शन अप गया, 2003 में बारिश नहीं हुई थी तो प्रोडक्शन डाउन गया, 2007 में बारिश नहीं हुई थी तो प्रोडक्शन भी कम गया, 2015 में भी बारिश नहीं हुई थी तो प्रोडक्शन कम गया समझे, वापस 2017 में बारिश हुई थी तो प्रोडक्शन भी अप गया। ये क्या है, पूरा स्टेटिस्टिकल डेटा समझे। तो स्टेटिस्टिकल डेटा से प्रूव होता है कि हाँ, जिन जिन सालों में बारिश अच्छी नहीं हुई उन सालों में प्रोडक्शन कम हुआ। तो बोल सकते हैं ना, स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सपोर्ट्स और कंफर्म्स अ प्रिंसिपल समझे। नंबर 2, स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन गिव्स एन आइडिया अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर्स। पैरामीटर इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ट्रेंड चेंज होते हैं ना, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लाइट में देता हूँ कि पहले पास्ट की बात करें तो पहले ये जो पतलून थी पैंट, वो ऐसे बूट कट का जमाना है ना, अब नैरो पैंट का जमाना है, ये क्या हुआ फैशन में ट्रेंड चेंज हुआ समझे आप। तो ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक्स में भी ट्रेंड चेंज होते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कौन सा ट्रेंड चेंज हुआ। 1951 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ राइट, देन एट द टाइम द शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम इन नेशनल इनकम इज हायर देन एनी अदर सेक्टर समझे। मतलब हमारे 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, ये भी हम पढ़ेंगे। तो इन सब में से प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर का हिस्सा इंडिया की जितनी भी इनकम है उसमें सबसे ज्यादा है समझे। और उस जमाने में क्या हुआ कि इंडिया के सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम करते, सर्विस सेक्टर में और बिजनेस सेक्टर में या फिर सेकेंडरी सेक्टर में बहुत कम लोग काम करते राइट। बट धीरे धीरे इकोनॉमी में पैरामीटर चेंज हुए, आप देखोगे ना तो एग्रीकल्चर की इनकम कम हो रही है, एग्रीकल्चर में काम करते हुए लोग कम हो रहे हैं, सर्विस सेक्टर में काम करते हुए लोग बढ़ रहे हैं, सर्विस सेक्टर की टोटल इंडिया की इनकम, इंडिया की जो नेशनल इनकम है उसमें सर्विस सेक्टर
तो ये क्या हुआ, इकोनॉमी में पैरामीटर चेंज हुआ, और ये पैरामीटर चेंज हुआ हमें कैसे पता चला, आंकड़ों से, नंबर से, स्टैटिस्टिक्स से, समझे। तो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन गिव्स एन आइडिया अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर्स। नंबर थ्री, टू मेक कंपैरेटिव स्टडी इजी, समझे। हमें अगर यूके, यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया, इन सब कंट्री का कंपैरिजन करना, राइट, कंपैरिजन एज पर इनकम, किन देशों में पॉवर्टी ज्यादा है, किन देशों में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, किन देशों में मोबाइल की कंपनी ज्यादा है, ऐसा कैसे हम काउंट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं विद स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। अरे चलो चाइना, यूके, यूएसए, इंडिया की करो, इंडिया को ही देखना होगा, 2001 में इंडिया का पॉपुलेशन कितना था, 2011 में इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, 2013 में कितना होगा, ये कहां से पता चलता है, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन से कंपेयर कर सकते हैं 2001 2011, राइट। तो कंपेरेटिव स्टडी इजी हो जाता है इकोनॉमिक स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, राइट। एंड नंबर फोर, टू मेक प्रिसाइज प्रेजेंटेशंस ऑफ फैक्ट्स। बहुत सारे फैक्ट होते हैं ना, उसका हमें प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट जैसे था ऐसा हमें प्रेजेंटेशन करना है, तो हम स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन का सहारा ले सकते हैं, राइट। से फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत गंदा फैक्ट है लेकिन फैक्ट है, इकोनॉमिक्स को फैक्ट को किस तरह से बता रहा है मैं आपको समझाता हूं। से फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में 100 पीपल को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं, 95 लोग और 5 लोग, राइट। इंडिया की टोटल इनकम कितनी है बता, 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल। तो उस इनकम को भी मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं, 5 रुपए और 95 रुपीज, समझे। तो ये क्या है 95 पीपल, ये क्या है 5 रुपीज और 95 रुपीज। तो ये 5 लोग कौन है बता, अंबानी, टाटा, बिरला, अदानी, राइट, ये 5 लोग है, विजय माल्या, ऐसे इसमें आ गए, समझे। तो ये 5 लोगों के पास कितने रुपए जा रहे हैं, 95 रुपीज। और ये 5 रुपीज, ये 95 लोग कौन है, मैं हूं, आप है, समझे, बेगर लोग है, छोटे छोटे जॉब करने वाले लोग है, छोटे छोटे डॉक्टर से, ये सब 95 लोग में आ गए, इन सबके पास कितने रुपए बताए, सिर्फ 5। सोचो 95 लोगों के पास 5 रुपए जो बहुत ही कम है, और सिर्फ 5 लोगों के पास कितने ज्यादा रुपए है, 95 रुपए। ये क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हमारे इंडिया में है, ये भी हमें कैसे पता चलता है, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन से। तो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन प्रिसाइज प्रेजेंटेशन करता है, जो फैक्ट है उसका प्रिसाइज प्रेजेंटेशन करता है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको 3 या 5 में से पूछ सकते हैं, मैं अगेन समझाता हूं, एक्सप्लेन इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज द स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन सपोर्ट्स फॉर कंफर्म्स ऑफ प्रिंसिपल, सेकंड इज गिव्स एन आइडिया अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक पैरामीटर्स, नंबर 3 टू मेक कंपैरेटिव स्टडी इजी, एंड नंबर 4 टू मेक प्रिसाइज प्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द लिसनिंग।